गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स चैप्टर 3rd करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक किरचॉफ लॉ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको हम करवाने वाले हैं। तो देखिए, द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हैव द रेजिस्टेंस इन वेरियस आर्म इन शोन इन डायग्राम, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये सर्किट दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट, यहाँ पे देखिए करंट कितने हैं, I1, I2, IG, तीन करंट हैं। तीन करंट होते हैं तो हमें इक्वेशन कितने बनाने होते हैं, तीन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्लोज सर्किट, लेट क्लोज सर्किट A, B, D, A। दूसरा क्लोज सर्किट हम ले रहे हैं B, C, D, B। एक और सर्किट चाहिए तो उसके लिए हम ले रहे हैं क्लोज सर्किट A, B, C, E, A। ये वाला A, B, C, E और A। पहला पॉइंट, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इस वाले क्लोज सर्किट में कोई बैटरी नहीं है। अगर बैटरी नहीं है तो फिर हम डायरेक्शन को किस टाइप से मानेंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, एक रूल आप अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सपोज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को नेगेटिव मान रहे हो, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मान रहे हो, तो सेम रूल दोनों पे अप्लाई करना है। ऐसा मत करना कि रूल अलग अलग अप्लाई कर दो। तो यहां पर कोई बैटरी नहीं है तो सपोज कीजिए इस वाली डायरेक्शन में जो करंट मूव कर रहा है उसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इसके अपोजिट जो करंट मूव कर रहे हैं उसे नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो यहां पर देखिए क्लोज सर्किट ABDA में कोई बैटरी नहीं है या सेल नहीं है तो EMF हो गई 0। किरचॉफ्स का सेकंड रूल यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये हो गया 100 I1। ये वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, प्लस रेजिस्टेंस है 15, करंट फ्लो कर रहे हैं IG। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 60 I2। तो एक तो इक्वेशन ये बन गया, ये है इक्वेशन नंबर 1। इस वाले सर्किट में बनाते हैं, बैटरी या सेल इसमें है नहीं तो 0। 10 में से करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 - IG। इसके बाद ये नेगेटिव 5 I2 + IG। ये वाला भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -15 IG। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10, 5, 15 यहां पर है। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंप्लीफाई करो, इसे 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो गया 2 I1 - IG - I2 + IG और -3 IG। अब इसे सॉल्व कीजिए, 0 2 I1 - 2 IG - I2 - IG - 3 IG। सॉल्व कीजिए, 0 I1 एक ही है 2 I1, I2 ये भी एक ही है -I2, IG कितना है 2, 3 और 3 कितना हो गया 6 IG। ये है इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन बनाओ, तीसरा इक्वेशन है A, B, C, E, A में एक्सटर्नल बैटरी या सेल लगाया गया है 10 वोल्ट का, करंट डायरेक्शन में है। तो पहला रेजिस्टेंस है 100 का, करंट फ्लो कर रहा है I1, 100 I1 प्लस अगला है 10, करंट फ्लो कर रहे हैं I1 - IG। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, 10 से डिवाइड कर दो 1 10 I1 + I1 - IG। तो ये कितना हो गया 1 = 11 I1 - IG। ठीक है, अब ये बताइए IG की वैल्यू कितनी आ गई, IG की वैल्यू आ गई
11 आई वन माइनस वन, यह है इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये अभी डिवाइड हो सकता है, किससे हो सकता है, 5 से कर देते हैं। 0 20 आई वन प्लस 3 आई जी माइनस 12 आई टू, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक काम करिए, हमें तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आई जी की वैल्यू रिप्लेस कर दो इन दो इक्वेशन में, आई जी की वैल्यू ये वाली पुट कर दो और सॉल्व करो। तो ये हो गया 0 20 आई वन प्लस 3, आई जी की वैल्यू कितनी है, 11 आई वन, 11 आई वन माइनस 1 माइनस 12 आई टू, तो कितना हो जाएगा, 0 20 आई वन प्लस 33 आई वन माइनस 3 माइनस 12 आई टू, कितना हो जाएगा, 0 20 आई वन, ऐड कर दो इन्हें, 20 प्लस 33 कितना हो गया, 53 आई वन माइनस 12 आई टू, 3 को दूसरी तरफ ले जाओ तो यहाँ पे 3 आ गया। ये है इक्वेशन नंबर, 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, ये है इक्वेशन नंबर 4, इसे सॉल्व कीजिए। 0 2 आई वन माइनस आई टू माइनस 6, आई जी की वैल्यू 11 आई वन माइनस 1, 0 2 आई वन माइनस आई टू माइनस 66 आई वन प्लस 6, इसे सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 6 को दूसरी तरफ ले गए माइनस 6, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 64 आई वन और माइनस आई टू, माइनस दोनों तरफ हटा दो, 6 64 आई वन प्लस आई टू। एक काम कीजिए, इस वाले इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करके वहां पे लिखिए। अब ये है इक्वेशन नंबर 5, हमें इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, हम इस इक्वेशन में 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू 64 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, कितना हो जाएगा, 768 768 आई वन, इसके बाद प्लस 12 आई टू, इसे सॉल्व करते हैं, ऐड कर दीजिए, 75 इज इक्वल टू, इसे ऐड कीजिए, 11 81 आई वन, आई वन की वैल्यू कितनी आ गई, आई वन की वैल्यू आ गई 75 अपॉन 821। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पूछा क्या है, गैल्वेनोमीटर में करंट आई जी पूछा है, आई वन की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये आई वन की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, तो आई जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11, आई वन की वैल्यू 75 अपॉन 821 माइनस 1, इसे सॉल्व करते हैं, ये किसी से कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 55 कितने बचे, 5 77 और 5 82 अपॉन 821 माइनस 1, यहाँ पर देखिए 825 को 821 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 487 1.00487 माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00487 एम्पियर, इसे आप लिख सकते हैं 4.87 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, और इसे लिखा जा सकता है 4.87 मिली एम्पियर, तो करंट कितना आ गया गैल्वेनोमीटर के अंदर, 4.87 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।